ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਏ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੈਂ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖੋਦ ਲਿਆ ਆਪ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਫੇ ਸੁਣਤੇ ਸੂਲ ਸਮਝ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝ ਸੁਣਤੇ ਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਏ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਦਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਪੇੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੇਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੈ ਵੇਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 4 ਤੋੜੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ चार मौजूदा रखी हैं आप वैसे थोड़ी ही रखी शौक ना अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिजनेस टास्क स्पेशल में एजी अज़र खान की जानिब से सभी भाइयों बुजुर्गों बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गौड फार्मी के बारे में मालूमात लेकर दूँगा। काफ़ी दोस्तों के शिकवे शिकायत होते थे कि एजी अज़र भाई आप कभी बकरियों की वीडियो नहीं बनाते, तो मैं आज वो शिकवा ख़त्म करना चाहता हूँ। तो कभी कभार जैसे ही मुझे जहाँ भी बकरियों वाले मिलते हैं, मेरी कोशिश होती है कि आप भाइयों के लिए ऐसी मालूमात लेकर दूं जो ये बकरियों को कारोबार को शौक से करना चाहते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन भाइयों के पास मैं पहुँचा हूँ और उनसे मालूमात लेकर आप तक पहुँचाऊँगा। तहलका खेज इंकशाफात होंगे और साथ साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ एक और रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। तो आइए इस भाइयों के पास चलते हैं और उनसे मालूमात लेकर आप तक पहुंचाते हैं कि इनकी बकरियां सबसे ज़्यादा दूध कितना देती हैं, कम से कम कितना देती हैं और कौन सी नस्ल है, इन नस्लों के बारे में भी मुकम्मल मालूमात लेंगे। तो आइए इन भाइयों के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई का की हाल है? प्यारे भाई आप दस सब तो पहला ना दसो। भाई मोहम्मद आसिफ साहब आप केड़ी जगह खड़े हुए और थोड़ा शहर जिला केड़ा है? गेलन खले हुए जी अपना जिला कसूर। प्यारे भाई अपने इस टाइम भेड़ा बकरियां टोटल किनिया ने? 50 जानवर ने। अच्छा माशाल्लाह जी। प्यारे भाई ये नस्ल के ने? अमृतसरी। अमृतसरी तो मक्खी चीनी बकरी तुम्हें लिया है? किन्ने अरसे दराज मेरे भरा ये कारोबार कर रहे हैं? कारोबार तो साढ़े वड्या तो लगा टोटली वड्या तो लगे तकरीबन यानी कि दादे दादा परदादा तो दादे तो लैद लगा जद्दी पुश्ती तो कारोबार है जी। माशाल्लाह जी बड़ी खुशी हुई थोड़े न मिल के। अज सानू ओह आधा तजर्बा थोड़ा इन मतलब तुम कोई बढ़िया वा या बकरियां जी आ गए हजे माड़ा मोटा पढ़ भी लिया बकरियां भी आ गए? अच्छा आज आधा तजर्बा खोल के बयान करना, एक एक पॉइंट की गल करनी है। अच्छा जी अमृतसरी बकरी सारा चंगी है या मक्खी चीनी सारा चंगी बकरी है? सर जी मक्खी चीनी भी चंगी है अमृतसरी भी चंगी है। उन केड़ा ऐसा राज है जिन्हों वेख के बकरी खरीदनी चाहिए? मिसाल मक्खी चीनी उन्हें केड़ी नस्ल है और रंग तो सानू किवें पता चलेगा आ मक्खी चीनी बकरी लैके आने वाले उन्हें कई पहचान है ताकि मैं अज भरावां नूं पहचान ही पुछ के देवां ते सारियां गल्लां खुल के आ जाण इहदे केड़ी पहचान होवेगी ते ये दुध भी किन्ना देंदी होवेगी मक्खी चीनी ये जरा दसो हां सानूं। जी भाई जान है जी भाई जान मक्खी चीनी बकरी इहदे निशानी कन्न वड्डे हुंदे ने ते चटाक चिट्टे चिट्टे हुंदे ने विच आ विच डब्बियां बणियां हुंदियां ने। इस तों इलावा कोई इहदे कलर आ जांदा है? सब तो वड्डी निशानी केड़ी है? कन वड्डे हुंदे ने। अच्छा अच्छा सही। ए सब तो ज्यादा किन्ना दूध देंदी छड़ दियो इन्नू भावे 2 किलो तो लेके 5 किलो तक देंदी सुबह एक टाइम दा 2 जिन्नी खुराक पाई उस हिसाब नाल मतलब मसाल तुसीं खुराक चंगी दियो आपां खुराक ना देईए ए बाहर फिरदे रहण 2 किलो दुध एक टाइम दा देंदियां ने। जे अगर खुराक देईए ते 4 किलो ते पहुंच जांदी है? 4 किलो ते पहुंच जांदी है। हां जी माशाल्लाह। ए बकरी एक किन्ने दी मिलदी है जे मक्खी चीनी? एक बकरी में 1,20,000 रुपए की लई आप खुद। ओ बकरी जी मैं अपने भरावां नूं वहाना चाहना जूम करके ये चेक कर सकदे जी। माशाल्लाह चड्डा भी चेक करो तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये बुरा महसूस नहीं करना पंजाबी में भाई बात क्यों कर रहा है,
तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, भाई थोड़ा कम जानता है उर्दू, तो इसलिए साथ साथ मैं पंजाबी भी और उर्दू में साथ मिक्स कर रहा हूँ। तो ठीक हो गया सर। अमृतसरी कहड़ी बकरी है जी? वह भी सानू खाओ। अमृतसरी ये तो इंज लगता जिम्मे देसी है। अच्छा देसी अमृतसरी होंगी है। अच्छा अच्छा चलो सोहनी गल होगी, तुम गल सू खुल के दस दी। अच्छा वो तो होगी 1,20,000 की छोटी छोटी बकरी, वो 1,20,000 मिल रही है छोटी तो मुख्तलिफ रेट हूँ या तकरीबन कि आ जाएगी? मक्खी चीनी बकरिया वबा केड़ी आ रही है, बीमारी केड़ी आ जाती है? सर्दियों केड़ी बीमारी आ रही है, गर्मी मूँह भी पक जाते हैं, इन्हों भोग भी लग जाती है। अच्छा तो उन्हों का की हल कर दे जी? उन्होंने हल दवाइया ला भी टीके ला भी टीके ला दे जी। हाँ केड़ा टीका ला दे जी? इन्हों टैलोजेंट भी ला ली। अच्छा टैलोपीन भी ला ली। कि मकदार ला दे जी? 3 CC से जी। 3 CC ला दे जी? ठीक हो गए। ये तो हो गए मक्खी चीनी। हूँ आज देसी बकरिया, देसी बकरियों बारे हम तुम सू दसना है। देसी बकरी सब तो ज्यादा दुध कि दें? देसी बकरियां झूठ तो लोग मारी जाते हैं भी मेरी 10 किलो देती है। बकरियां 2, 4, 5 किलो दुध दें। चौकी 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 चौकी। अच्छा तो फल कि दें? फल एक भी दें, दो भी दें, तीन भी दें। एक भी दो भी तीन भी? हाँ जी ज्यादा इन्हें दे दें। ये बकरी कि देर बाद सुनती है? 5 महीने बाद। 5 महीने बाद? 5 महीने तो 2 दिन पहले सू पे। अच्छा 5 महीने तो 2 दिन पहले को 2 दिन उत्ते लाई जी, एक दिहाड़ी डांग को 2-3 दिन पहले भी सूख गई। इंदा बकरा जो तो मसा एक बकरा किन्ने चिर तैयार नाले हो जाता है? इंदा बकरा 1 साल च तैयार हो जाता है। 1 साल तैयार हुंदा है? किन्ने दा विक जांदा है? 80-90 हज़ार रुपए दा। तुसी तो नाले ते क्या मक्खी चीनी दे सब तो ज्यादा महंगा बकरा? ए बकरी दे इको नस्ल ही ने, मक्खी चीनी ते अमृतसरी दी तो 19-20 दा फर्क है जी। नस्लां ने बकरा मक्खी चीनी विच छड्या है, बकरा मक्खी चीनी छड्या है। हां बकरी जे जी होई केड़े ने जी दिखाओ सानू? इस बकरी के बच्चे ने मक्खी चीने, बकरी अमृतसरी है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये मक्खी चीने जिवें आया। अच्छा अच्छा चलो ठीक हो गया सर। मैं हुण तुहाडे कोल होर पुछना, इन जो तुम ये काम स्टार्ट किया तो कह रहे हैं दादे परदादे तो लैके, इस तों अलावा मिसाल तो तुम आप बकरियां काम कर रहे जी, इस तों अलावा तुहाडा होर की कारोबार है या आया कि बकरियां का कारोबार करके रिजक रोजी रोटी कमा रहे जी? बकरियां का कारोबार है जी, गल करनी खुल के दसो, डरो ना ਦਰੋਂ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਾਂਦੇ ਕੋ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ ਬੱਕਰੇ? ਬੱਕਰੇ ਆਸ ਟਾਈਮ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 30-40 ਵੇਚ ਲਿਆ। 30-40 ਜੋ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮਾਇਆ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਮੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਛ ਹੈ ਬਚ ਗਈ ਜੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ 8000 ਕਿਸੇ 7000 ਕਿਸੇ ਚੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਬੱਕਰੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੇ 20000 ਦਾ 50000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ 55 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ 45 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਚਰੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਟਾਕ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਜੰਤਰ ਵੀ ਚਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੰਤਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾ। ਜੰਤਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਲੀ ਪਾਲੀ ਦੀ ਮਕਈ ਦਾਣੇ ਖਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ مشورہ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਹ مشورہ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਰੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਚਰਾਵਣ ਨਾਲ। अच्छा अच्छा यानी कि बाहर चलाने का खर्चा? बाहर बनने का मकसद है जिन्ना इन्हों घर बन के पावे तो खर्चा ही बदना है। खर्चा बदना ये तो गलत है। अच्छा मिसाल थोड़ा खर्चा हूँ कौन ही आता? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚਰਾਈ ਵਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੋੜੇ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਜੇ? ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਖਰਚਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲੇ 'ਚ,
किनिया बकरियां उस टाइम मौजूद सन? मेरे को 10 बकरियां सन। इस टाइम 50 ने, इस टाइम बकरियां दे भेड़ा कटियां ने, टोटल 50 पारू खड़े ने। उन्हें जो तुम साल बाद किन्ने एक बेचते रहे जे की कोई कमाते रहे एक बकरियां चो, तो उन्हें इन्हें बकरियां के कारोबार है तुम की कुछ बनाया की कुछ खोया है दस सकते सू? मिसाल तौर जमीन खरीदी जे या कोई मकान बनाए ने इस तरीके कुछ या फिर मोटरसाइकिल लीए की कुछ किया जाए कारोबार? चलो जी मैं कारोबार शुरू किया मेरे से 13 लाख रुपया कर्जा से। एक साल बाद मैं 13 लाख रुपया का कर्जा ला के अभी शादी की भाइयों की की है मकान पाए ने जगह ली है माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक का शुक्र है अपने से कोई कर्जा नहीं कोई किसी का पैसा नहीं देना। अच्छा उसके अलावा इस कुर्बानी से मैं 10 मरले का प्लाट खोल लिया आप इस कुर्बानी से जी माशाल्लाह। ये फिर सुनते रसूल समझ के बकरियां कारोबार कर रहे थे वैसे ही अपना शौक समझ सुनते रसूल भी है ते शौक भी है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी बड़ी खुशी की गल है जी। अल्लाह ताला तुहाडे होर भी इहदे रिज़्क़ बरकतां अता फरमाए शौक भी नाले पूरा हो जाता है नाले नबी पाक की सुनत पूरी हो जाती है ते नाले आपां कारोबार आपदा कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई भाई जान तुसीं गल्लां सुनियां कीतियां ने अल्लाह होर कारोबार रिज़्क़ बरकतां अता फरमाए। बकरियां दी हो गई गल हुण आ जांदे आ भेड़ां दे तुहाडे कोल भेड़ां किन्नियां हन? पेड़ा के बारे चलो उन्हें भाई दूसरे दस देने जी भाई जान सलाम अलैकुम। हुण तुसीं पेड़ा के बारे दसना सानू पेड़ा का तुहाडा किन्ने चिर का तजर्बा है? पेड़ा मेरा 4 साल का तजर्बा है। 4 सालों च तुसीं पेड़ा च की खोया च की पाया? 4 साल तो एक पेड़ लई सी मैं। हाँ जी एक पेड़ तो मेरे को 11 पेड़ा हो गई सी। अच्छा इन्हां चों कोई बेच भुज दित्तियां ते बकाया इस टाइम मेरे को 4 ने बाकी कुर्बानी ते ले ले बेच। ऐसे मन 4 तोड़े रह गई ने? 4 मौजूदा रखियां आप वैसे थोड़ियां ही रखियां शौक नाल। अच्छा अच्छा बाकी भेज दी। बकरियां दा भेड़ां दा कारोबार दा की फर्क है? बकरियां भेड़ां दा कारोबार दा फर्क ए आ भेड़ां जड़ियां इन्हां दा खर्चा बिल्कुल ही कोई। अच्छा अच्छा बकरियां नाल। अच्छा बकरियां नाल भेड़ां दा खर्चा कोणी दा? बिल्कुल ही कोई। किस तरीके नहीं हैगा? इस तरीके भी सर्दी भी होवे जेड़ी चीज पाओगे ना खा लेनी खा लेनी जेड़ी ओने माल खाना सुथरा साफ सुथरा ए ते गल है। ठीक है इन्हां नूं भेड़ां नूं गर्मियां ने इत्थे खलियां दे शाम रज लौंदे गल सही है। बारिश भी पा जाती है इतनी खलियां रहना खलियां बारिश हो जाए तो बकरियां पा दो उसने करा आओ नसल नहीं करा नहीं फिर एदा जड़ा एदा 6 महीने जानवर कुर्बानी लग जाए तैयार हो जाए। 6 महीने च? 6 महीने च असी 3-4 महीने दा कुर्बानी दा जानवर बिकया ना। अच्छा अच्छा माशाल्लाह ते तोड़ा इने बेड़ा दे जो मसा कुर्बानी दे किना को कमाया जे? इना पेड़ा जो कुर्बानी ते मैं 1,20,000 रुपए कमाया। माशाल्लाह ते खर्चे खुर्चे कट गए? खर्चा खुर्चा कोई इना ते 1 रुपया भी नहीं लगया कोई दवाई वगैरह कोई जानो बीमार हो जाओ तो वखरी गल है। हां जी और दाने दोने कर कोई चीज नहीं कर मसाल भेड़ बीमार हो जांदी इंदा देसी टोटका की इस्तेमाल कर दे? इंदा देसी टोटका यानी के जब बुखार हो जावे इने ते फिर जवैन दी रोटी पका के खवा दे। जवैन दी? जवैन किन्नी तकरीबन مقدار है? छोड़ एक रोटी दा आटा है ना हां जी इन्नी कुछ जवैन ला लो। हां जी एक दिन खवा दे नहीं बुखार लता फिर दूसरे दिन खवा दे। अच्छा 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 चलो सही है। तो जो तो ये काम शुरू किया भेड़ा का 4 साल पहले ओले एक भेड़ किने दी आई सी? एक भेड़ 13 दा दी। एक भेड़ तो स्टार्ट किया हजे तो उस भेड़ तो ही तो ही अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें अल्लाह ने रोयत भेड़ मेरे को 7 सुबह सोई है तो 2-2 बच्चे दिन दी 2-2 दिन दी इस टाइम भेड़ मौजूद है? वो भेड़ इस टाइम वो खराब हो गई सी कुर्बानी दे वेच हुंदा यानी कि बानू साड़ू पै गया सी कुर्बानी दे नु 2 बच्चे दे फिर मैं ने और छोटे मेरे भाई जो परदेश बैठे ने कुछ कारोबार ही करना चाहते तुसी उन्होंने की मशवरा दोगे? आया कि बाहर भेड़ा चराई वास्ते एक मुलाजम रख लेना चाहिए या आया कि अपने घर च फार्म बनावन ते घर के फार्म वास्ते वो सिस्टम चलावन इन दोनों विच ऑप्शन चो केड़ा तुसी बेस्ट? असल जे इन्हों नु संभालिया ना घर हाँ जी फिर इन्हों का साल पिछे ना हिसाब लाई कोई चीज नहीं बचती। नहीं सही बचती कोई चीज भी नहीं बचती। अच्छा अच्छा इन्हों तो सिर्फ उत्थों पैसे खाते हैं बाहर इन्हों चराइए सारा साल इन्हों बाहर चराइए तो जल्द कुर्बानी जड़िया 2 महीने को खर्चा खुर्चा करिए फिर इन्हों कोई चीज़ बचती। अच्छा अच्छा तुम ये मिसाल तौर मेरे भरावान की मशवरा दोगे काम में करना चाहिए या नहीं? ये काम करना चाहिए सारे कामों ना काम चंगा है। किन्ने को बकरियां भेड़ा तो काम शुरू कर यानी कि एक तो भी कर लो बंदे नीयत बंदे नहीं होती है एक तो भी कर लो जो बंदे नीयत चंगी हो तो एक तो अलावा दा करे एक बंदा भी भेड़ा ला के बकरियां भेड़ा ला के दे देता है तो उनके पास एक बंदा काफी है? एक बंदा जो चरा ले तो ठीक है जो 2 बंदे चरा लें तो उस तो बेहतर है। 2 बंदे होने जरूरी 2 बंदे ही होंगे ने भी पानी पुनी पीना पै गया जा को अगे कोई चराई चरुई देखनी पै गई इस तरीके जाने के कोल खो जांदा को काम कार एक नु पै जांदा। मिसाल ते कुछ इलाके अपने इलाके ने तो चराई वध हुए हां जी कुछ इलाके में चराई नहीं भी हुंदी हां जी
कोई ऐसे इलाके है ने? कोई इलाके च चराई असल जेड़े भी इलाके ने हुण दा चराई किसे इलाके च भी यानी कि थोड़ी नहीं है। हां हुण दा सिर्फ मसला बांदा है सर्दियां में 2 महीने 2 महीने बस फुल जले सर्दी आंदी ओले यानी कि हर चीज ना कोरे ना सुख जांदी तुहाडे सिर्फ मसला बांदा चराई जांदी जांदी भाई मैं आखरी सवाल करना जाना तुहाडे दे 4 साल च तुसी भाई भी अगे आ जाओ तुहाडा 4 साल च केड़ी मुश्किल घड़ी आई सी जिंदे तुहानू परेशानी ज्यादा आई सी? बिल्कुल सर्दियां जा की बारिशें काफी हुई हैं अच्छा अच्छा चलो ठीक है भाई जान बहुत मेहरबानी तुसी सानू आपका कीमती टाइम दिता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें और साथ साथ मेरा पेज बना हुआ फेसबुक पर भी बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल के नाम पर तो उसे भी फॉलो करें। तो इजाज़त दीजिए अपने भाई एजी अज़र खान को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।